अमही देख दीन पटदारे राम राम आराम पुकारे अमही देख दीन पटदारे मंगा राम तुरंत ते दीना मंगा राम तुरंत ते दीना पट उरे लाय सोच अति पटे उरे लाई सोच अति कीना कसु गरीब सुनौ रघुवीरा तजहु सोत मन आनौ दीरा प्रकार करियऊ स्वीकाय सब प्रकार करियऊ स्वीकाय जेही विधि मिलहि जान सुगरीव नयन भरी बारी मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी सुग्रीव आंखों में आंसू भर के कहने लगा प्रभु आप निश्चिंत रहिए बहुत जल्दी जनक नंदनी मिलेगी। मैं एक बार मंत्रियों के साथ यहां बैठ के विचार कर रहा था मंत्री ने सहित यहां एक बारा बैठ रहू मैं करत बिचारा। देखिए ये तीन कांड हैं किष्कंधा कांड सुंदर कांड और लंका कांड पर तीनों की विशेषता क्या है किष्कंधा कांड में बैठा विचार ही करता है व्यक्ति यहां कार्य नहीं करता और लंका कांड में विचार किया ही नहीं जाता कऊ कवन भय करिए विचारा नरक भी भालू आहार हमारा बताओ। जब राम जी की सेना सागर के उस किनारे पहुंची तो रावण ने अपने मंत्रियों से अपने सेनापतियों से कहा कि अब वानर सेना आ गई है क्या करें क्या विचार है आप लोगों का। तो जो मंत्रीगण वो क्या कह रहे कहूं कवन भय करी विचारा भय किस बात का विचार किया जाए नरक भी भालू आहार हमारा ये नरक भी भालू तो हमारा आहार विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो रावण का पुत्र प्रस्त वहां बैठा था उसने कहा महाराज इन मंत्रियों की बात आप न सुने ये कह रहे हैं नरक भी भालू आहार हमारा अरे आहार भी तो कब सोच के खाना चाहिए। तो असुर कहें कि सोच के खाएं तो फिर राक्षस कैसा वो असुर कैसा
जो सोच के खाए, हम तो ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा तो तुम ऐसे खा दोगे, इतने वानर भालू सबको खा लोगे? हाँ हाँ खा लेंगे। तो प्रश्न ने कहा, कुछ दिन पहले एक वानर आया था जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जलाया, उस समय क्या तुमको भूख नहीं लगी थी या तुम लोगों का पेट खराब था? एक बानर तो तुम खा नहीं सके और अब कहते हो नरक भी भालू आहार हमारा। तो जहां विचार नहीं किया जाता वहां लंका कांड होता है, और जहां खाली बैठे बैठे विचार ही करते रहो वो किसगंधा कांड। पर ये जो दोनों के इधर और इधर, इसके जो बीच का है उसका नाम क्या है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड में क्या है? विचार करके तुरंत क्रिया करना, यानी जीवन में जो विचार करके तुरंत कर्म करें उसी का जीवन सुंदर बनता है महाराज। कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारित। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निश नगर करो प्रसार। बताओ, तुरंत विचार करके कर्म करना। यहां लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने क्या समझ के दोस्ती की इनसे? ये क्या कह रहा? मंत्र सहित यहां एक बारा बैठी रहूं मैं करत बिचारा, गगन पंत देखी मैं जाता, आकाश मार्ग में मैंने जाते हुए देखा, पर बस परी बहुत बिलपाता, पर बस वो बहुत बिलाप कर रही थी, और राम राम हा राम पुकारी हमें देख दीन पटनारी, और राम राम पुकार के हमको देख के वस्त्र डाले। लगता है प्रभु वो जानकी जी थी। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इन वानर वीरों से तो अच्छे जटायु जी थे, जो माता जी की आवाज को सुन के रावण से जाके भिड़ गए और यहां ही बैठे देखते रहे। राम जी ने कहा, रे लक्ष्मण इस सुग्रीव कह रहा है सीता ने कुछ इनको दिया है, पट दिए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु माता जी ने इनको देख के पट नहीं दिए, उन्होंने सहायता के लिए इनको पुकारा पर इन्होंने कोई क्रिया नहीं की। तो माता जी ने कहा, तुम तो पुरुष हो ही नहीं, चलो ये आभूषण पट पहनो और बैठे रहो, बस तुम तो स्त्रियां जैसे हो, इसलिए पट डाले इनको दिए, पट दिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम भी तर्क बहुत करते हो, शांत रहो। हाँ सुग्रीव बोलो आगे कहाँ है वो? मांगा राम तुरंत ते ही दीना। जो ही राम जी ने मांगा, सुग्रीव ने बानरों को भेजा और लाके राम जी को दिया। राम जी ने पट उर लाई, उन कपड़ वस्त्र को और आभूषणों को हृदय से लगाया। सोच अति कीना, जानकी जी के कान का कुंडल लिया। यहां राधे श्याम जी कहते हैं, लखन के सामने देखे मेरे प्रभु, कहते हैं लखन देखिए जानकी का कुंडल है, एक बार का, दो बार का, तीन बार का। तो लखन जी हाथ जोड़ के कहने लगे, मैंने तो नियारे चरण सदा अरि देखे माँ के कान का, अरे मैं तो बिचियों का सेवक हूँ, मैं बिचियों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान कहाँ, मैं बिचियों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान कहाँ। देखे माँ के कान का, मैं बिचियों का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान का, कुंडल की मुझे पहचान का,
मुझे पहचान का। सुगन बहुत अब अच्छे हैं, खड़कन है तीर कमानों में। सुगन बहुती अब अच्छे हैं, खड़कन है तीर कबानों में। प्रभु समय वो अब दूर नहीं, कुंडल होंगे उन्हीं कानों में, कुंडल होंगे उन्हीं कानों में। कुंडल होंगे उन्हीं कानों में, कुंडल होंगे उन्हीं कानों में, कानों में चलोगे। लखन जी कहने लगे, प्रभु मैंने तो माता जी के चरणों को देखा, कभी उनके मुखमंडल को देखा ही नहीं। मेरे माँ की बिछिया हो तो मैं कह दूं कहां ये मेरी माता जी की है, कुंडल की तो हमें कहां पहचान। पर आप कह रहे हो तो सुगन अच्छे हैं, आपके कहते ही मेरे तरकस के बाण खड़कने लग गए। इसका मतलब समय दूर नहीं, माताजी बहुत जल्दी मिलेगी। राम जी ने सुग्रीव के सामने देखा और कहा, सुग्रीव जानकी की तो खोज हो जाएगी, पर तुम बताओ तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारा परिवार पत्नी। सुग्रीव कहने लगा, नाथ बाली अरु में दो भाई। प्रीति रही कछु बरनी न जाए, मय सुति माया रीत ना हो, आवासो आवासो प्रभु हमरे गाओ। अर्ध राति पूरी बार पुकारा, बाली रिपु बल सहेन पारा। दावा बाल देख सोई भागा, मैं पुनि गयो बंदु संग लागा। सुग्रीव कहने लगा, नाथ बाली अरु मैं दो भाई। बाली और हम दोनों भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए। हम दोनों में इतना प्रेम, इतना प्रेम कि उस प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक बार मयसुत मायावी ते नाऊ, मय नाम का दानव, उसके पुत्र का नाम मायावी। आवा सो प्रभु हमरे गाँव, वो हमारे गांव आया और उसने आके अर्ध रात्रि
अर्ध रात्रिपुर द्वार पुकारा, आधी रात में नगर के द्वार के ऊपर आके बाली को ललकारा। बाली रिप बल सहे को पारा, बाली शत्रु के बल को सह नहीं पाया, और जैसे ही युद्ध के लिए बाली को मायावी ने ललकारा तो बाली गदा लेके मायावी से लड़ने को चला। धावा बाली देख सोई भागा, जैसे ही बाली गदा लेके उस मायावी के पीछे आया तो मायावी बाली को देख के आगे भागा। आगे मायावी और पीछे बाली, मैं पुनि गया हूं, और बाली को जाते देखा तो मैं भी गया कहां, बंधु संग लागी भाई के साथ। वो मायावी राक्षस एक गिरी कंदरा में प्रवेश कर गया और बाली उस गुफा में प्रवेश करने से पहले मुझे कहने लगे कि तुम अंदर मत आना, परिखेऊ मोई एक पखवारा, एक सप्ताह एक पखवारा तक मेरी तुम राह देखना, यहां एक पक्ष पूरा, और जो अगर मैं नहीं आओ तब जान हूं मारा, तब जान लेना कि मैं मर गया, और तुम वापस चले जाना। राम जी ने कहा, फिर सुग्रीव कहने लगा, मास दिवस तं रहूं खरारी, मैं वहां एक पखवारे की जगह एक महीना रहा और निसरी रुधिर, अंदर से रक्त की धार निकली, निसरी रुधिर धार तहां भारी भयंकर रक्त निकला, और मैंने सोचा कि कहीं वह असुर बाली को मार दिया है और बाली को मार के मुझे न मार दें, इसलिए मैंने गुफा के ऊपर बड़ी भयंकर बड़ी शिला दी और मैं आ गया। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु ये झूठ बोल रहा है। राम जी ने कहा, कैसे? ये कह रहा मास दिवस, ये महीने भर तक रहे जैसा ही नहीं है प्रभु। अरे ये कह रहा ना कि हाँ, ये ऐसे कह रहा, ये मास दिवस, ये कह रहा कि जितने वर्ष के मास हैं उतने दिवस रहा, यानी 12 दिन तक रहा, 15 दिन भी नहीं रहा वहां पे। बाली ने कहा था पखवारे का, ये 12 दिन में भाग आया। और प्रभु एक बात कहूं, ये कैसा भाई है कि भाई का रक्त देखने के बाद में भाई का रक्त नहीं खोला और दौड़ के घर आ गया, और घर आया, ये जो ये चतुर लोग होते हैं ना, बड़े होशियार, वो शब्दों का खेल खेलते हैं। एक गांव में गांव वाले कुआ खोदार कुआ बांध रहे थे, तो पूरे गांव के लोग उसमें लगे हुए थे। तो जब पूरा कुआ तैयार हो ही गया, एक आदमी आधी ईंट का टुकड़ा लेके आया, पूरी ईंट नहीं आधी ईंट, और कहा भाई हमारा भी लगा दो ईंट, हमारा भी सहयोग मान लो। लोगों ने कहा, रे बन गया तू भी, तेरा कौन सा, तू कौन सा गांव से अलग है, तू भी गांव में पी लेना पान। नहीं नहीं, एक का लगा दो, हमें भी संतुष्टि होगी कि इस कुएं में हमारा भी सहयोग रहा। एक ने कहा लगा दो, इसका इतना भाव है तो लगा दो, आधी ईंट लगा दो, आधी ईंट उसकी भी लगा दी। अब कुआ तैयार हुआ तो चार हौज बने पानी के। अब जैसे ही पानी चालू हुआ तो दो पे अपना अधिकार करके बैठ गया। उनके तो दोनों, एक तो हमारा ही रहेगा, अब एक के पूरा, एक यहां से कोई पानी नहीं भर सकता, यहां तो हम ही भरेंगे। लोगों ने कहा, रे तू कैसे भरेगा? तो उसने कहा, आधी ईंट हमारी लगी हुई है। आधी ईंट लगने का मतलब एक एक हौद पे तू अधिकार करेगा? हाँ, पंचायत करा दो। तो पंचायत गांव वालों से पंचायत नहीं होगी, बाहर के पंच बुलाओ, आसपास के गांवों के पंचों को बुलाया। अब गांव वाले भी मुजरिम बने हुए और वो भी मुजरिम बना हुआ। गांव वालों ने कहा, भाई पंचायत किस बात की, किस चीज की पंचायत? लोगों ने कहा, भाई हमने कुआं बनाया और ये कुएं पे चार घाट बनाए, होज बनाए, उस पे एक अधिकार करके बैठ गया। उसको कुछ पूछा, भाई तूने एक पे अधिकार क्यों कर लिया? उसने कहा, इस कुएं के निर्माण में आधी ईंट हमारी लगी हुई है। लोगों ने कहा, नहीं नहीं, इसका कहना,
आप सौगंध खा के कहो अपने बच्चों की कि आधी ईंट हमारी नहीं लगी? लोगों ने कहा हाँ आधी ईंट तो लगी है। अब बताओ आधी ईंट लगी है तो फिर हम एक 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 पे अधिकार नहीं करेंगे? वो पंचों ने कहा इसकी आधी ईंट लगी है तो ये तो दो का अधिकारी है। लोगों ने कहा नहीं नहीं चुप, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम लोगों ने सौगंध खाई आधी ईंट लगी हुई है, अब बताओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये जो चतुर लोग होते हैं ना, ये इसके कहने का भाव है मास दिवस, यानी जितना महीना वर्ष का होता उतने दिन रहा ये और भाग आया। राम जी ने कहा तुम शांत रहो। हाँ बोलो सुग्रीव, फिर क्या हुआ? सुग्रीव ने कहा जब मैं घर आया तो मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, मंत्रियों ने बिना राजा को राज्य को देखा और दीने मोई राज बरियाई और मुझे जबरदस्ती प्रभु सिंहासन पे बिठा दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु ये और झूठ बोल रहा है। राम जी ने कहा कैसे? लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर बिठा सकता है? पूरे अवध के लोग, माताएं, गुरुदेव सबने कहा भरत भैया को सिंहासन पर बिठा पाए अयोध्या के? पर ये जितने ही जो सत्ता लोलुप होते हैं ना वो हमेशा ऐसा ही कहते हैं। हाँ भरत भैया ने तो यहां तक कह दिया कि जो हटी दे राजमऊ जब ही के रसा रसा तल जाही तब ही, अगर मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाओगे तो भूमि रसातल में चली जाएगी। पर ये जो सत्ता लोलुप होते हैं ना वो कहते हैं अगर हमको नहीं बिठाया तो भूमि चली जाएगी, हमको बिठाई दो। बस महाराज कम से कम भाई का तेरवी तो करता, क्रियाकर्म तो करता, राज्य कहीं भागे जा रहा था, आया और मंत्रियों ने कहा फट से बैठ गया। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम साथ रहा, सुग्रीव आगे कहो। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो मित्र है सुनो, राम जी ने कहा आगे बोलो सुग्रीव। तो सुग्रीव कहने लगा बाली ताई मारी घर आवा, बाली मायावी को मार के जब घर आया तो देखी मोय जी भेद बढ़ावा, मुझको सिंहासन पर देख के और मन में भेद बढ़ाया, और भेद बढ़ाया तो कैसा, रिप सम मोय मारे सी अति भारी, रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरिनी सर्वसु अरुणारी। ताके सकल भुवन में फिर निहाला साप बसी आवती नाही, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी बे भूजा विशाला,
कहने लगा बाली आया और बाली ने मुझको सिंहासन पर बैठे देखा तो प्रभु रिप सम मोई मारे सी अति भारी। उसने भाई वाला रिश्ता ही खत्म कर दिया और शत्रु के सम मुझे मारना शुरू किया। ऐसा मारा मारा सा तो मारा और हरलीनी सर्वस अरुणारी मेरा सब कुछ छीन लिया, राज पत्नी परिवार सब। और मारा तो मैं उसके भय से भागा, ताके भय रघुवीर कृपाला। और उसके भय से भाग रहा हूं और सकल भुवन में फिर हूं बिहाला। सब भुवन में मैं बिहाल होके घूमा पर बाली के डर से किसी ने भी मुझे आश्रय नहीं दिया। कोई भी बाली से युद्ध करना नहीं चाहता था इसलिए किसी ने मुझे आश्रय नहीं दिया। राम जी ने कहा तो यहां सांप बस आवत नहीं, यहां सांप के कारण मतंग जी का सांप है बाली को कि अगर ऋषिमुख पर्वत पे तुम आए तो तुम्हारे सर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए यहां सांप के कारण आता नहीं है। मुझे पता है कि बाली को श्राप है, बाली यहां नहीं आएगा, लेकिन प्रभु तदपि सबीत रहूं मन माए, फिर भी मैं मन के अंदर हर क्षण डरता रहता हूं। सुन सेवक दुख दीन दयाला, अपने सेवक अपने आश्रित के दुख को देखा। और पूज गोस्वामी जी कहते हैं फरक ही उठी द्वि भुजा विशाला, राम जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी, कहने लगे सुन सुग्रीव मारूं बाली एक ही बाण, रुद्र ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। सुग्रीव चिंता मत कर, मैं एक बाण से बाली का वध करूंगा, चाहे वो ब्रह्मा शिव की शरण में भी जाए तो भी उसके प्राण उबरेंगे नहीं। राम जी कहने लगे जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन ही बिलो कत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहजन आई, ते सत कत हटी करत मिटाई। जिनके असीमति सहजन आई, ते सत कत हटी करत मिताई। राम जी ने जब प्रतिज्ञा की कि सुन सुग्रीव मारा हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कम से कम बाली का पक्ष भी तो सुन लेते,
और आपने एक सुग्रीव का पक्ष सुनते ही प्रतिज्ञा ले ली। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये सुग्रीव मेरा मित्र है और जेन मित्र दुख हो ये दुखारी तिनई बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता है उसको देखना ही बहुत बड़ा पाप है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, अपना दुख पहाड़ जितना हो लेकिन उसे रज के कण सम समझें, और मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्र का दुख तो अगर रज के समान है उसको भी पहाड़ के समान समझना चाहिए। जिनके असीमति सहजन भाई, जिसकी ऐसी सहज मति नहीं आती, जिसके जीवन में ऐसी सहजता से मति नहीं है, ते सत कत उन मूर्खों को करत मिताई, क्यों मिताई, मित्रता करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों मित्रता करें। और एक बात कह दूं, सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सेवक सठ सठ यानी मूर्ख हो, नौकर मूर्ख हो, मंगाओ तो बटकी लावे मटकी, बताओ। तो ऐसा सेवक क्या का, एक काम को चार बार कहे तो काम का क्या। एक व्यक्ति के घर एक नौकर था ऐसा मूर्ख, एक काम को कहे तो तीन चक्कर में एक काम करें। जैसे वो अगर कह दे जा लोटा लेके आ, अब उसने लोटा मंगाया तो खाली लोटा लिया है। अरे मूर्ख खाली लोटे के क्या सर में फोड़ू, पानी से भर के ला, तो फिर जाए पानी से भर के ला। एक दिन उस आदमी की माता जी बीमार हो गई तो उसने जल्दी जल्दी में कहा जा दे डॉक्टर साहब घर है कि नहीं है, जा दौड़। अब वो 3 किलोमीटर डॉक्टर का घर था, वहां से दौड़े दौड़े गया, जाके देख के वापस आया, वापस आके कहा हाँ हाँ डॉक्टर साहब घर हैं। तो तू डॉक्टर साहब को लेके क्यों नहीं आता, तो आपने कहा था कि डॉक्टर साहब को देखा घर है। एक खींच के थप्पड़ मारा कि मूर्ख, जब भी किसी काम का करते हैं तो तेरे खुद की खुद अकल नहीं करती काम, मैंने तो उतावले में कह दिया डॉक्टर साहब का तो लेके क्यों नहीं आया। मूर्ख एक पंथ दो काज करना चाहिए, एक बार में दो काम करें वही बुद्धिमान होते हैं। जा लेके आ डॉक्टर साहब को। अब वो एक लपड़ पड़ी, लपड़ मारा, चर 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 कर ही रही थी, गया डॉक्टर साहब को लाया। डॉक्टर साहब ने जाके माता जी को देखा, पर्ची में दवाइयां लिखी, कहा ये दवाई ला के दे दो और माता जी को दे दो, आराम हो जाएगा। और उस आदमी ने 1000 रुपये दिए उसको और पर्ची दी कि जा दवाइयां ले आ। अब वो नौकर दवाइयां लेने गया, 2 घंटे बाद वापस आया और आके कहने लगा सेठ जी 2000 और दो, पैसे कम पड़ गए। तो उसने कहा 1000 रुपये दिए, इतनी तो कोई दवाइयां थी नहीं, पर्ची ला का दवाई की पर्ची दे। तो दवाई की पर्ची दी तो 400 रुपये की, तो 400 की दवाई 2000 और कैसे। उसने कहा और भी तो सामान लाया हूं। तो क्या लाया कि देखो बाहर देखे तो गाड़ी भरी हुई लकड़ियों की, हांडी अर्थी सब साथ ले आया। उसने कहा ये क्या ले क्या, तो आप ही ने कहा था कि एक पंथ दो ही काज, मैंने सोचा दवाइयां ले जाओ, माता जी अगर कहीं चली गई तो फिर लाना पड़ेगा, तो पहले ही ले जाऊं महाराज ताकि जय जैसी आराम हो जाए। सेवक सठ नृप कृपण, अगर राजा कंजूस हो जाए, राजा और कंजूस हो तो महाराज उस प्रदेश का उस देश का विकास नहीं हो सकता। और कुनारी, प्रत्येक नारी नहीं, कपटी मित्र, और मित्र और वो कपटी हो, शूल समाचारी, ये चारों शूल के सम होते हैं। राम जी ने सुग्रीव से कहा सका सोच त्याग बल मोरे, सका सोच त्याग गौबल मोरे।
सब विधि घटब काज बल तोरे। सब विधि घटब काज में तोरे। कसु गरीब सुनऊ रघुवीरा, बाली महाबल पाली महाबल अतिरन धीरा। मुन्ना बियासी ताल देखाए, बिनु प्रयास रघुनाथ बाली प्रीति। बाली बदब की नहीं भय प्रती, राम जी ने सुग्रीव से कहा, सखा सोत त्यागऊं बल मोरे। ए सुग्रीव, मेरे बल के ऊपर भरोसा करो और मन का सब सोत सब दुख को त्यागो। सब विधि घटब काज में तोरे, मैं तेरे सब कार्य करूंगा, चिंता मत कर। अब जैसे ही राम जी ने कहा कि सखा सोत त्यागऊं बल मोरे, मैं सब तुम्हारे काम करूंगा, पर सुग्रीव क्या कह रहा है? कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, आप कह रहे हो कि मैं निश्चिंत हो जाऊं, आप कहते तो आपके बल पे आश्रित हो जाऊं, पर आपको पता है बाली महाबली हैं। आप बली के कहते तो वो महाबली हैं, अति रणधीर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा लो कर लो और प्रतिज्ञा करो, अब परीक्षा दो। ये तो कह दिया इसने, तो मैं कैसे विश्वास करूं, बाली महाबलशाली है। राम जी ने कहा तुझे कैसे विश्वास हो? तो सुग्रीव ने दुंदभी अस्थि ताल दिखाए, दुंदभी की हड्डियों का स्थान बताया, क्योंकि मतंग जी ने कहा था इसको जो ढाएगा हटाएगा वही बाली के वध का कारक बनेगा। राम जी ने बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बिना कुछ किए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए, राम जी ने उसको हटाया। अब सुग्रीव कहने लगा अभी पूरा विश्वास, तो लेके आया, आकी अंगुली से इशारा करके प्रभु को कहने लगा, इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक ही बाण में ढाएगा, अरे तक्षक ने कह रखा है, तक्षक ने कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा, तक्षक ने कह रखा है। इन सात तारक के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा, विजय बाली पर पाएगा।
ताड़ के सात वृक्ष हैं, इनको एक बाण से जो नीचे गिरा देगा वो बाली पे विजय पाएगा, ऐसा तक्षक का श्राप है। अब ये सात ताड़ के वृक्ष ऐसे गोल परिधि में, तक्षक का पुत्र जो कुंडली मार के बैठा था सात फलों के ऊपर, और बाली ने श्राप दिया कि सात ही फल तेरे शरीर में ताड़ बन के निकल जाएं, तूने मेरे पूजा के फल अशुद्ध किए। तो तक्षक ने क्रोध करके कहा कि तेने सात फल के लिए इसके इसको इतना बड़ा श्राप दिया, तो मैं तुझे श्राप देता हूं बाली कि इन सात ही ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में नीचे गिराएगा वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। अभी तो सर्प के ऊपर थे, तो राम जी ने सर्प की पूंछ के ऊपर अपने चरण को दबाया तो सर्प सीधा हुआ, और सीधा होते ताड़ के सातों वृक्ष एक सीधे में हुए, एक बाण से सातों को नीचे गिराया। और जैसे ही वो नीचे गिरे, गोस्वामी जी कहते देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। राम जी ने पहले क्या कहा, सखा काज घटब बल मोरे, तेरे सब कार्य मेरे बल के ऊपर पूरे होंगे। तो सुग्रीव ने क्या कहा, कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा बाली महाबल। बली और महाबली, पर अब जब राम जी के बल को देखा तो उस बल की कोई सीमा नहीं है, तो यहां महा अति महा नहीं लिखा, देखी अमित बल। अमित बल जिस बल का कोई पार नहीं, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बदब इन भई प्रतीति। ये बाली का वध जरूर करेंगे, प्रतीति यानी विश्वास होगा, ये बाली का निश्चित वध करेंगे। और जब ये विश्वास हो गया तो बार बार ना यही पद शीशा, बार बार राम जी को प्रणाम करके प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा। अब ये वाणी बानर की वाणी बोलने लगा, क्या कह रहा, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, वचन तब बोला, नाते कृपा मन भय अलोला, नाते कृपा मन भय संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करियो सब परिहरी करियो सेवकाएं, एस विराम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माई,
शत्रु मित्रु सुख दुख जग माई। माया कत परमारथ नाही, माया कत परमारथ नाही। बाली परमहित जासु प्रसादा, बाली परमहित जासु प्रसादा। मिलहुं राम तुम समन विसादा, ये मिलहुं राम तुम समन विसादा। अब प्रभु कृपा करूं ए भांति, अब प्रभु कृपा करूं ए भांति। सबत जी भजन करूं दिन रात, सबत जी भजन करूं दिन रात। सुनी विराग संयुत कपि बानी, बोले बियसि राम धनु पानी। कछु कहूं सत्य सब सोई, सका वचन मम मृषान होई। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय हूं अलोला। राम जी के अमित बल को देखा, प्रभु के ऐश्वर्य को देखा, ज्ञान हुआ। कहने लगा प्रभु, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करहूं शिव काय। ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, इन सब का त्याग करके बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी हंसे। राम जी ने कहा अब क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा इनको पूछो कि सुख है तुम्हारे पास, परिवार है, बड़ाई है, संपत्ति है, तो क्या छोड़ के तुम पूजा भजन करोगे? छूटा हुआ ही तो है। राम जी ने कहा तो प्रभु, ये बड़ा होशियार आदमी ये कह रहा पहले सब आप दिलाओ फिर छोड़ेंगे। ये जो सुग्रीव की दशा है ना, हम पूरे सबकी दशा यही है। हम सब यही चाहते हैं अर्जुन सिंह जी, कि पहला पैसा कमा लें, खूब बड़े आदमी बन जाएं, मकान बना दें, सब ठाट हो जाएं, फिर प्रभु सब छोड़ के भजन करेंगे। अब जब कुछ है ही नहीं, अभी करो ना, तो फिर पहले तो इकट्ठा करो। इसका मतलब भगवान से हम सौदा करें, पहले प्रभु आप हमको दो, फिर हम सब छोड़ के तुम्हारा भजन करेंगे। तो अभी छोड़ के करो ना।
अभी आदमी कह रहा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करहूं शिव काई। राम जी ने कहा तो ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब भक्ति के बाधक अवरोधक हैं। कहत संत तव पद अवराधक, ये संत ऐसा कहते हैं। अब महाराज मुझे बाली में कोई शत्रुता नहीं दिखती, शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, मायाकृत परमार्थ नाही, ये तो सब माया है। ये सुख दुख मित्र शत्रु ये इसमें माया परमार्थ नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा लो करो और प्रतिज्ञा लो। अब इसने तो ये तो ज्ञान की बातें करनी शुरू कर दी, ये तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। आप उपदेश लो, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बाली का वध करोगे। ये तो कहेगा कि मैंने तो प्रभु से कह दिया कि मेरा तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ये तो सब माया का खेल है, परमार्थ धर्मार्थ कुछ नहीं है। बाली पर अब आगे बोले, देखो क्या कह रहा, बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली मेरा शत्रु नहीं है, बाली तो मेरा परम हितेशी है। और उस बाली की तो कृपा हुई, मिले राम तुम समन प्रसाद, उसी की कृपा से तो आप मुझे मिले हो। राम जी ने कहा तो तुम क्या कहना चाहते हो। सुग्रीव ने कहा अब प्रभु कृपा करूं यही भांति के सब तजी भजन करूं दिन रात। लक्ष्मण जी कहने लगा प्रभु ये ऊपर ऊपर कह रहा है, फिर बात वही घुमा के पहले कह रहा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरू सब करूं सेवकाए, अब क्या कह रहा, अब आप ऐसी कृपा करो कि सबको छोड़ के मैं भजन करूं। तो हम तो यही तो कहते सब तेरे पास है क्या जो तू छोड़ेगा, ये छोड़ देना ऐसे ही बेटा भजन कर। यहां गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, सुनी विराग संयुत कपि बानी। ये वैरागी की बात किसकी है, कपि की बानर की। बानर कभी एक जगह स्थिर रहता है, अपन मारवाड़ी भाषा में कहो मसोणियों बैराग। एक बात बताओ, पिछले वर्ष जब कोरोना आया ठीक है, तब कितने भय से हम लोग डरे हुए थे नहीं डरे हुए थे, सभी मास्क लगाते थे। अब महाराज शांति से बैठो, गिर जाओगे तो अभी कौन हॉस्पिटल में जगह ही नहीं बेड में, शांति से बैठो। घड़ी यूं यूं करे कुर्सी में ईटा पड़ गया, लागीत गिरे कराए, अब ले जाओ कठे महाराज। क्यों बाबा जी, वानर एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो ये क्षणिक वैराग्य है। हम लोग कथा में बैठते हैं या किसी मृत शरीर को देखते हैं तो फिर उस समय कहते हैं अरे संसार में कुछ नहीं है, भगवत नाम ही है। पर जैसे ही उस जगह से हटे, मारवाड़ी में कहते वही घोड़ा ने वही मैदान, इसको क्षणिक वैराग्य बोलते हैं। जीवन में पूर्ण वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है महाराज, बहुत मुश्किल। इसलिए बानर की छलांग है ये, और गोस्वामी जी ने इसे इसलिए पीछे कपिबानी लिखा। सुनी बैराग संयुत कपिबानी और बोले बिये सी राम धनुपानी। राम जी हंस के बोले सुग्रीव तुम ठीक कहते हो, तुम भजन करना चाहते हो, जो कछु कहो सत्य सोई हुई, तुमने जो कहा वो सब सही सत्य है, लेकिन सखा वचन मम मृषा न होई, मेरा वचन झूठ नहीं हो सकता। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि बाली का वध करूंगा, वो तो करना ही पड़ेगा। अब तुझे सब छोड़ के भजन करना है तो एक काम कर, मैंने प्रतिज्ञा ली बाली का वध करके तुझे राज दे दूं सुख संपत्ति सब दे दूं, फिर तू छोड़ के भजन करना। तू कह रहा है ना सब परिहरी करो सेवकाई, तो पहले सब पा तो ले फिर छोड़ के भजन करना। अब जब छूटा हुआ है तो भजन होता नहीं है,
तब तो रोता है उसको पाने के लिए, और जब मिल जाता है तो महाराज ये हमारे जीवन का दर्पण है मानस महाराज। मैं बात कहते पीछे छोड़ दी, पिछली बार जब मास्क लगा के भयभीत थे, वही कोरोना का भय अगर लगातार बना रहा होता तो आज ये ऐसी स्थिति बनती नहीं बनती। पर जैसे ही थोड़ा सा संकट हटा, अनलॉक हुआ, वही महाराज और जब थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ मार्च के अंदर, तो वही ये सब ढकोसले जी, पिछली बार ही हम लोगों को कैद कर दिया था, ये कोई कोरोना वोरोना नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी भी कई लोग कहते कोई कोरोना वोरोना नहीं है अभी, जबकि धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। सावधानी जरूरी, मैं तो कहूं नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता, तुम सावधान रहो, भीड़ भाड़ में मत रहो। हमारे तो सुबह पीछे गौशाला में काम चल रहा है, तो कारीगर ने मां कहा महाराज मुझे गांव जाना, मैंने कहा जाओ, फिर वापस आओगे तो चार पांच दिन तक कमरे में ठूस के रखूंगा, ध्यान रखियो। जा क्यों रहे हो कि विवाह में जा रहे, तो वहां से कोई प्रसाद ले आए तो लड्डू की चक्कियों की जगह, तो बाकी वाले सब ग्वालों को करोगे, दूसरों को भी करोगे, साथ वालों को करोगे, इसलिए कहने नहीं महाराज कुछ नहीं, मैं सभी ऐसा ही कहते कुछ नहीं होगा। हालांकि गौशाला में तो गौ माता की कृपा है, या वास्तव में गौ माता की कृपा है, सत्य कह रहा हूं। हमको भी पिछली वर्ष कोरोना हुआ तो यहां नहीं हुआ, हम तो बाजार शहर गए तब प्रसाद मिला, यहाँ रहते तो प्रसाद नहीं मिलता गौशाला में। और मैं संक्रमित होके यहाँ गौशाला में रहा हूं, पर सभी गौशाला में सब लोग थे, किसी को कोई संक्रमण नहीं हुआ, सब ये हम ही मौने हैर आलो भूत चढ़ियो तो ये होता है। तो ऐसा है, मैं तो एक सोचता हूं, बार बार मेरा एक ही उद्गार रहेगा कि कोरोना तो बहाना है, जिसको जाना है उसको जाना है, बस ये निश्चित है। पर दिक्कत यही होती है कि इस बीमारी से जाए न तो गंगा जल, न तुलसी, न महाराज ढंग से कर्म, वो थोड़ा दिक्कत होता है। जो भी प्रियजन, जो भी हमारे परिचित, जो जो गए हैं, हम तो व्यासपीठ से उनकी आत्मा की सदगति की प्रार्थना करेंगे, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। जो सरकारी गाइडलाइन से जो उनकी अंत्येष्टि हुई वो तो हुई है, पर ईश्वर उनके कर्म को देखते हुए उनको सदगति दे। एक क्षणिक वैराग्य है। सुग्रीव ने कहा कि बस, राम जी ने कहा सब दे देता हूं, फिर जाओ बाली से युद्ध करो। सुग्रीव ने कहा मैं करूंगा, राम जी ने कहा युद्ध तो तुम ही करोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूं। सुग्रीव किसगंधा के द्वार पे आया, राकी बाली को ललकारने लगा, हे बाली बहारा, एक बार का फिर हे बाली बहारा। और जैसे ही सुग्रीव ने बाली को ललकारा है, सुनता बाली क्रोधातुर धावा, सुन पति दिन
नहीं मिले सुग्रीवा। इस समय न युद्ध में जावो पिया, दिल मेरा बहुत घबराता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। इस समय न युद्ध में जावो पिया, इस समय न युद्ध में जावो पिया, दिल मेरा बहुत घबराता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। क्या कहूँ पिया क्या बात जो है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। सुनी बाली क्रोधातुर धावा, बाली ने सुग्रीव की ललकार को सुना, क्रोध में भर के गदा लेके चला। तो बाली को जाते देखा, गही कर चरण नारी समझावा। बाली के चरणों में तारा ने बंधन किया, चरण पकड़ के बैठी, कहने लगी, इस समय न युद्ध में जावो पिया, कि दिल मेरा बहुत घबराता है। क्या कहूं पिया क्या बात जो है, मेरा ये दाया नेत्र फड़कता है। इस समय आप युद्ध में ना जाओ, मेरा दाही नहीं आंख फड़क रही है, सगुन ठीक नहीं है। मैंने गुप्तरों से जाना है, सुनपति जिन मिले ही सुग्रीवा, जिनसे सुग्रीव मिले हैं ते दो बंद तेज बल सीवा। वो दोनों भाई बल और तेज में उनके समान कोई नहीं है। कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, वो महाराज दशरथ जी के पुत्र, उनका नाम राम और लक्ष्मण है। कालों जीत सके संग्रामा, वो काल को भी युद्ध में जीतने ऐसे पराक्रमी बली है। आप युद्ध में ना जाओ। बाली कहने लगा, हे दुश्मन खड़ा दरवाजे पे, मैं चुप जाऊं पर्दों में, धिकार मेरी मर्दानगी को कहलाऊं ना मर्दों में। दुश्मन दरवाजे पे खड़ा ताल ठोक रहा है, और तारा मैं तुम्हारे आंचल में छुपके बैठ जाऊं। अगर संसार में कायरों की गिनती होगी तो सबसे पहले नाम हमारा आएगा। वीर की शोभा सन्मुख युद्ध करके मरना। और एक बात सुन ले, कबाली सुन भीरु समदर्शी रघुनाथ, अगर वो ब्रह्म है तो भगवान तो समदर्शी है, उनके लिए तो मैं सुग्रीव बराबर। और फिर भी जो कदाचि मोई मारही तो पुनि होऊं सनाथ, फिर भी अगर वो मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इतने दिन अनाथ, हाँ अनाथ, अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं है महाराज। अगर भगवान मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अस कहीं चला मां अभिमानी, अस कहीं चला समान सुप्री वही जानी। तब सुगरीब विकल होई भागा, मुठी प्रहार
बाली ने कहा जो कदाच मुई मारही तो पुनि होऊं सनात अस कहीं चला महाअभिमानी। ऐसा कह के बाली हाथ में गदा लेके अब अभिमान में भर के चला। तृण समान सुग्रीव ही जाने सुग्रीव क्या तिनके के समान। और जो ही बाली बाहर निकला बाली को आते देखा ता 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 दुम सुग्रीव भागा कहा जहां प्रभु छुप के खड़े हैं पेड़ की ओट में ताकि कम से कम क्षेत्र में तो आ जाऊं और यहां अगर वो मारेगा छुड़ाएगा ही कौन और राम जी ने कहा सहायता करूंगा तो उस क्षेत्र में आया और अब युद्ध करने लगा। बाली ने एक मुठिका मारी महाधुनी कर जा एक मुठिका मारी और मुष्टिका मारती गर्जना की सुग्रीव धड़ाम से नीचे गिरा। और जैसे ही नीचे गिरा दो गदा के प्रहार किए और जैसे ही गदा के प्रहार करके कहा भाई है इसलिए आज तो छोड़ रहा हूं और फिर कभी अगर सामने आया ना तो तेरा कलेजा चिर जाऊंगा। हट कायर एक मारा गड़क नीचे गिरा गिरते ही मारा दे विकल होके भागा पड़ते उठते दौड़ता दौड़ता लुढ़कता राम जी के पास आया। और जैसे ही राम जी के पास आया राम जी को देखा सोचा मरूंगा तो नहीं अब तो पर रोने लगा राम जी से कहने लगा हे राम तुम्हारे कहने से झगड़ा मैंने मोल लिया ए भाई नहीं है काल मेरा बल इसका मैंने तोल लिया बल इसका मैंने तोल लिया। हे राम तुम्हारे कहने से अरे झगड़ा मैंने मोल लिया ए भाई नहीं है काल मेरा बल उसका मैंने तोल लिया बल उसका मैंने तोल लिया बल उसका मैंने तोल लिया। हे राम तेरे कहने से मैंने उस सोए शेर को जगाया वो मेरा भाई नहीं है। राम जी हल्के से हंसे अभी थोड़ी देर तो पहले के रहता बाली परम हित जासु प्रसादा मिले राम तुम समन विषादा शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमार्थ नाही। अभी तो कह रहा था कोई शत्रु नहीं कोई मित्र नहीं ये तो सब सपने का खेल है। राम जी ने कहा क्यों जगे आंख खुली मतलब हे बाली मेरा भाई नहीं मेरा शत्रु है। राम जी ने कहा अभी तो तुम पहले तो बड़े ज्ञान की बात कर रहे थे तो सुग्रीव कहने लगा ओ तुम देख रहे थे खड़े खड़े मुझ पे तो मुक्के पड़ते थे तुम खड़े खड़े देख रहे थे मुझ पे मुक्के पड़ रहे थे। राम जी ने कहा देख तू भी ज्ञानी और तेरा भाई भी ज्ञानी वो भी तो कह रहा है समदर्शी रघुनाथ तो तुम भी ज्ञानी तेरा भाई ज्ञानी और जब दोनों ज्ञानी तो मैं ब्रह्म बन गया और ब्रह्म निष्पक्ष होता है वो किसी का पक्ष नहीं लेता। सुग्रीव ने कहा ज्ञानीमान सब चला गया ज्ञानीमान नहीं वो मेरा मित्र नहीं वो मेरा शत्रु है। अच्छा अब मानते हो प्रभु मुझसे तो गलती होगी मैं तो ज्ञानी बन गया पर मैं आपका मित्र हूं आप ही तो कह रहे तो मित्र कि दुख को देख के दुखी नहीं होता। हाँ आप मुझे पिटता देख के आपको कुछ विचार आया ही नहीं। राम जी ने कहा आया पहले हमने सोचा ज्ञानी है पर जब तुम्हें पिटता देखा
तो हमने ऐसे खड़े नहीं रहे, हमने भी कुछ किया। क्या किया? तो राम जी कहने लगे, मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं, तुम दोनों भाई भाई हो, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं। मैं देख रहा था खड़े खड़े, अरे दोनों का बैर निकलने दूं, तुम दोनों भाई भाई हो, अगर मिलते हैं तो मिलने दूं, अगर मिलने तो मिलने दूं। मैं खड़े खड़े देख रहा था, जब तुम दोनों भाई आमने सामने हुए तो मैंने सोचा, क्योंकि तुमने ही हमको कहा था कि नाथ बाली अरु में भाई रही प्रीति, हम दोनों के बीच में बड़ा प्रेम था, तो मैंने सोचा क्या पता पुराना प्रेम पुनः जागृत हो जाए, वो प्रीति सोई हुई प्रीति वापस जग जाए, और अगर ये दोनों भाई आपस में मिल जाए तो मैं इनके बीच में क्यों आऊं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपको मिलने में पिटने में अंतर नहीं दिखता। राम जी ने कहा, वो हमने पहले सोचा जब तक तो तुम लड़ने शुरू हो गए, तो फिर भी मैं खड़ा नहीं रहा, तो उस पर भी मैं तो बार बार धनवा पे बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप से हो इसलिए तो धोखा खाता था। उस पर भी मैं तो बार बार धनवा पे बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप से हो इसलिए तो धोखा खाता था, इसलिए तो धोखा खाता था। ए धनवा पे बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप से हो इसलिए तो धोखा खाता था, इसलिए तो धोखा खाता था, इसलिए तो धोखा खाता था। उस पे शांति से खड़ा नहीं था, बार बार धनुष के ऊपर बाण चढ़ा रहा था, पर तुम दोनों भाइयों की एक जैसी शक्ल, अब मैं ये भ्रम में पड़ गया कि बाली कौन सा सुग्रीव कौन सा, अगर गलती से बाली की जगह तुमको बाण लग जाए तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं मारा, पर सुग्रीव कोई बात नहीं, अब की बार ये तुझे मैं माला पहनाता हूं, ये माला मुझे तेरी पहचान देगी, जा। सुग्रीव कहा, राम जी ने कहा बाली से युद्ध करने, सुग्रीव ने कहा कौन, राम जी ने कहा तुम, मैं, हां तुम, प्रभु उठूंगा तो, क्यों क्या हुआ, महाराज गदा मेरे लगी है, हड्डियां चूर चूर हुई है। राम जी ने कहा रे तेरे मन के अंदर वह में तुझे कुछ नहीं हुआ, और जो ही हाथ घुमाया पूरी पीड़ा गायब, सुग्रीव ने यूं किया। गोस्वामी जी ने लिखा, मेली कंठ सुमन के माला, गले में सुमन की माला पहनाई, पठवा पुनि बल दे ही विशाला, अपना विशाल बल देके सुग्रीव को भेजा जा। सुग्रीव पुनः आया है और किस गंधा के द्वार पे आके बाली को ललकार, हे बाली बहारा। बाली ने सोचा अभी इसको इतना मारा, ये उठ के आया कैसे।
फिर ललका हे बाली बहारा। अब की बार बाली क्रोध में भर के जैसे ही दौड़ा बाहर बाली को आते देते ही ता 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 वही जा राम जी खड़े वहां तक पहुंचा। गोस्वामी जी कहते हैं पिछली बार लड़ाई नहीं हुई, दो चार मुष्टिका में सुग्रीव का काम तमाम हो गया, पर अब की बार पुनि नाना विधि भई लड़ाई। अब की बार राम जी विशाल बल देके भेजे इसलिए नाना प्रकार से लड़ाई होने लगी। विपट ओट देखई रघुराई, राम जी पेड़ की ओट में सुग्रीव और बाली के युद्ध को देख रहे हैं। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा मन माय, बहुत प्रकार से छल बल से युद्ध किया लेकिन ही हारा भय मानी, भयभीत होके मन में हार गया। जैसे ही हारा बाली ने उठा के नीचा पछाड़ा और पछाड़ते ही बाली ने सोचा ये इसके अंदर एक ही सबसे बड़ी विशेषता है कि ये भाग जाता, हाथ इसको पकड़ के रखो भागे नहीं, और तुरंत ऊपर बैठ गया। हाथ ऊपर उठाया, तेरे को कहा था ना पुनः सामने मत आना, अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जो ही हाथ ऊपर उठा के बाली सुग्रीव को मारने को तैयार हुआ, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी, और राम जी ने बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली उछल के एक तरफ नीचे गिरा है, पर इतना बली था महाराज तुरंत बैठा हुआ और कहने ए दगा दगा धोखा धोखा, ए दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका बाण करारा है, बाली जैसे वीर को ये धोखे से किसने मारा है, धोखे से किसने मारा है। ए दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका बाण करारा है, बाली जैसे वीर को ये धोखे से किसने मारा है, धोखे से किसने मारा है, धोखे से किसने मारा है। ये दगा दगा धोखा धोखा, ये किसका बाण करारा है, बाली जैसे वीर को ये धोखे से किसने मारा है, मुझे किसने धोखे से मारा। और जो ही बाली ने कहा, गोस्वामी जी कहते पराविकल मही सर के लागे, पराविकल मही सर श्याम गात सिर जाता बनाए, श्याम गात सिर जाता बनाए, अरुण नयन सरचाप चढ़ाए, अरुण नयन सरचाप चढ़ाए, पुनि पुनि चित ही चरण चित दीना, सुख
पल जन्म माना प्रभु दीना। हृदय प्रीति मुख वचन कटोरा, बोला चितै राम की ओरा, धर्म हे तू अवतरे गोसाई, इमारा मोई व्याद की नाही। मैं बेरी सुगरीब पियारा, अब गुण कवन नाती मोई मारा, अब गुण कवन नाती मोई मारा, अनुज बधु बगनी सुन सठ कन्या सम ए चारी, इनही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बदे कछु ताही बदे कछु पापन होए। कल मही सर के लागे, जैसे ही राम जी का बाण लगा है बाली नीचे गिरा, पुनि उठी बैठी देख प्रभु आगे, राम जी को आते देखा, श्याम गात सिर जटा बनाए, श्याम वर्ण है, सर के ऊपर जटा का मुकुट है, कि अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, खिलती हुई हल्के खिलते हुए कमल के समान हल्के ललायमान नेत्र हैं, धनुष के ऊपर बाण आधा चढ़ा हुआ है, अगर बाली आक्रमण करें तो दूसरा बाण तैयार है। जैसे बाली ने प्रभु को आते देखा, पुनि पुनि चितहि चरण चित दीना, धन्य है महाराज, बाली ने अपना चित प्रभु के चरणों में लगाया है, और सुफल जन्म माना प्रभु कीना, आज जन्म सफल हो गया। जैसे ही राम जी पास में आए हैं, हृदय प्रीति मुख वचन कटोरा, हृदय में प्रेम है, ऊपर से कठोर शब्द बोल रहा है, बोला चितै राम की ओरा, राम जी के सामने देख के बाली कहने लगा कि प्रभु मैंने तो सुना है कि धर्म से हेतु अवतरे गोसाई, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए,
पर मारा मोई व्याद की नाई। मुझे फिर ऐसे छुप के क्यों मारा? राम जी कहने लगे, बाली भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और बेटी सब एक जैसे होते हैं, और इनको अगर कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसको मारना चाहिए, उसका वध करें, क्योंकि वो पापी है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बदे कछु पापन हो। इनका वध करने से कोई पाप नहीं होता। और मूड तो ही अतिशय अभिमाना, तुझे तो बड़ा अभिमान है। नारी शिखावन करसिन काना, तुमने अपनी बात पत्नी की बात को नहीं माना। बालिक कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, आपके पिताजी ने आपकी माताजी की बात मानी, देखो आपकी दशा क्या हुई, और आपने अपनी पत्नी की बात मानी, देखो आपकी दशा क्या हुई, और आप मुझे कहते हो मैं उसकी बात मानूं। और दूसरी बात प्रभु, ये हमारे बेडरूम की बात आपको कैसे पता चली? पहले तो ये जवाब दो मुझे। और अगर आपको हमारे बेडरूम की बात पता है तो मैंने गलत क्या कहा समदर्शी रघुनाथ? पर एक बात कहूं, आप वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, अपनी व्याकरण सुधारें। देव राम जी ने कहा हम समझे नहीं। बाली कहने लगा, सुनौ राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजु में पापी अंत काल गति तो। प्रभु आपने कहा मैंने पत्नी की बात मानी नहीं, तो ये जो आप हमको तर्क दे रहे हो ना कि मैं पापी हूं, पहली बात तो ये जो नियम है ना ये आप पुरुषों में लागू होते हैं, हम पशुओं में नहीं। राम जी कहने लगे, तुम मानते हो तुम पशु हो, तो सुनो बाली, पशु आतता ही हो जाता है तो क्षत्रिय उसका शिकार करता है, शिकार छुपके किया जाता है। अब बोलो। बाली कहने लगा, प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती, पर देव अपनी व्याकरण सुधारे, मैं पापी था पापी हूं नहीं, प्रभु अजहू की मैं पापी अंत काल गति तो, अंत समय में मुझे आपकी गति मिल रही है और अभी भी मैं पापी। जो ही बाली ने ये कहा, सुनत राम अति कोमल बानी, के बाली सीसी परसे निज पानी। बाली के सर के ऊपर मेरे प्रभु ने हाथ रखा और कहा, अचल करौ तनुराखौ प्राणा, अगर तुम जीवन चाहते हो तो बाली मैं तुझे अमर कर दूं। बाली प्रभु के चरणों में गिरा, रोते हुए कहने लगा, बाली कहा सुनु कृपा निधान, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई,
अंतराम का आवत नाई। जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं पर अंत समय में मुख से राम नहीं आता, ये इसका अर्थ ये नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ है कि जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं जिस मुक्ति के लिए, वह मुक्ति जीव आसानी से पा लेता, कौन सा, जो अंत समय में एक बार राम कह देता है, और आप तो प्रभु मेरे सामने हो, अब जीवन नहीं, अब तो आज्ञा दीजिए। राम जी ने कहा बाली तेरी बहुत याद आएगी, बोल मैं तुझे क्या कहूं, जो इच्छा है सो मान। धन्य है जो बाली ने मांगा है, इसने ये नहीं कहा कि प्रभु आप मुझे मुक्ति दें, ये नहीं कहा कि मुझे आप अपना धाम दें, ये नहीं कहा कि मुझे मनुष्य बना के राजा बने बनाई या चक्रवर्ती सम्राट बनाए, कुछ नहीं। कहने लगा अब नाथ करी करुणा बिलोक देहू जो बर मांगे ओ, अब नाथ कहने लगा अब नाथ करी करुणा बिलोकं देहूं जो बर मांगूं। हे प्रभु अब तो करुणा करके जो मांगे एक बर दे दीजिए। राम जी ने कहा क्या, तो कहने लगा ये योनी जन्मों कर्म बस, मैंने जैसे कर्म किए हैं कर्म के अनुरूप मुझे योनि मिले, पर प्रभु आपके चरणों का अनुराग यही योनि जन्म
करम बस तहां राम पद अनुरागयो। आपके चरणों की प्रीति कभी मिटे ना, कभी ना, किसी भी योनि, जिस भी योनि में जन्म हो। ये जो मेरा बेटा है ना अंगद, ये मेरे सम ही बल में, पर प्रभु मैं देह अभिमान में जीवन भर जीता रहा, ये मेरा अवगुण मेरे पुत्र में न रहे, इसलिए यतनय मम सन बिनया बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गई बासुर नर नाय अपनो हे दास अंगद कीजिए। इस मेरे पुत्र की बाह पकड़ ले। राम जी ने कहा इसे कह दो ना कि मेरे चरण पकड़ ले। बाली ने कहा प्रभु ये जीव है क्या पता कब छोड़ देंगे, आप अगर इसका हाथ पकड़ोगे तो मुझे विश्वास रहेगा कि आप इसकी भुजा को कभी छोड़ोगे नहीं। गई बासुर नर ना अपनो दास अंगद कीजिए। अंगद को अपना दास बना ले। राम चरण दंड प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग। राम जी के चरणों की प्रीति दृढ़ करके बाली ने प्राणों को त्यागा। जैसे ही बाली ने प्राण त्यागे राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। राम जी ने बाली को अपना धाम दिया और बाली के वध होते ही तारा आई है। पूज्य बाबा लिखते हैं तारा नाना विधि विलाप करे तारा नाना विधि विलाप जले पावक गगन समीरा चति जल पावक गगन समीरा
नाना विधि विलाप करता रहा। तारा नाना प्रकार से विलाप करते आई है, छूटे केशन देह संभारा। शरीर को संभाल ना पाई, विलाप करती हुई आई, रोने लगी। तो राम जी ने तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ज्ञान दिया का क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। वायु जल अग्नि पृथ्वी और आकाश, इन पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। और ये जो शरीर है, प्रगट सो तनु आगे सोवा, और इन पांच तत्वों से बना हुआ शरीर ये तुम्हारे आगे पड़ा है, सो रहा है। और जीव नित्य कि लगी तुम रो, और जीव तो नित्य है, वो तो मरता नहीं, तो तुम रो किसके लिए रही हो? अगर शरीर को तुम अपना मानती है तो ले जाओ इसे। और आत्मा तो अजर है। और ये वास्तविकता यही है, हम लोग न तो शरीर से प्रेम करते हैं, नहीं आत्मा से प्रेम करते हैं। हम लोग तो सिर्फ स्वार्थ से प्रेम करते हैं। शरीर से प्रेम करें तो शरीर से प्राण निकलने के बाद में कोई भी अपने घर में नहीं रखता। दो ही घंटे नहीं, फटाफट तैयार करो, ले जाओ, जय 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 सियाराम। और अगर आत्मा से प्रेम करें तो जाने के 10 दिन बाद में घर का रात को दरवाजा बजे तो आ गए। बताओ, आत्मा से डरते हैं, डरते कि नहीं डरते? नहीं डरते तो बताओ, रात को अकेले कहीं जाओ शमशान के पास से डर लग रहा है, क्यों? भूत तो भूत कहां से आए बताओ? भूत आए कहां से? हम में से जो मर के गए आत्मा, उन्हीं को तो भूत बोलते हैं। तो वो गए हैं जो हमारे ही हैं, किसी न किसी के तो परिचित हैं, पर डरते हैं। तो आत्मा से डरते हैं, आत्मा से रिश्ता रखना नहीं, शरीर से रिश्ता है नहीं। तो हम लोगों का रोना स्वार्थ का है। और इसलिए कबीरदास जी ने कहा, अरे सब मतलब को लोग
के अब माने खबर पड़ी रे रामा। सब तो मुसाफिर लोग अब माने कबर पड़ी रे रामा। सब तो मुसाफिर लोग अब माने कबर पड़ी रे रामा। जब तक बैल बेवे घाणी में तब तक गरज घणी रे राम। जब तक बैल बेवे घाणी में तब तक गरज घणी रे राम। हे बूढ़े बैल किसार न पूछे फिरे वो गली रे गली के अब स्वागत को लोग अब माने कबर पड़ी रे काला। संसार तेरो लोग अब माने कबर पड़ी रे रामा। जब तक तेल है दीपक में तब तक जोत घणी रे राम। जब तक तेल है दीपक में तब तक जोत घणी रे राम। अरे निकट गयो तेल अरे बुझ गई बतिया अब माने कबर पड़ी रे रामा। सब मतलब सब सांग्रत रो लोग अब माने कबर पड़ी रे रामा। सब मतलब रो लोग अब माने कबर पड़ी रे। हरे वृक्ष पर पंछी बैठा बोले हरी हरी रे राम। हरे वृक्ष पर पंछी बैठा बोले हरी हरी रे राम। अरे जड़ गई पत्तियां उड़ गया पंछी आकाई रीत करी रे अब माने Oh,
खबरे पढ़ी ले दिया। लखन जी को कहा कि सुग्रीव को किष्कंधा का राज दें, राज अभिषेक किया और सुग्रीव से कहा कि तुम अंगद के साथ राज करो, मेरे काम को ध्यान रखना और मेरे प्रभु प्रवसन गुफा पे वर्षा ऋतु तक विश्राम के लिए गई। आज की कथा को हम यहीं, कल पुनः सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप सबको जय जय सिया। जय श्री राम। एक बार भाव और प्रेम से सभी लोग बोलिए जय श्री राम। जय गौ माता, जय गोपाल। कहते हैं केवल हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं था, सूरत बदलनी चाहिए और हो किसी के सीने में दी भाव तो एक बार आप सबकी जोरदार तालियां झलकनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के माध्यम से, क्योंकि आज कथा के पावन प्रसंग में, क्योंकि पिछले कई वर्षों से महाराज जी इस कांड तक पहुंच ही नहीं पाते, तो ये सुनने का अवसर, ये प्रसंग सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है। आरंभ में जब महाराज जी कथा गाते थे तो किष्कंधा कांड तक पहुंच जाते थे तो उस समय अवसर मिलता था, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत कम बार ऐसा अवसर मिलता है। तो जो भी लोग टीवी पे देख रहे हैं उनको ये सौभाग्य मिला है कि इस प्रसंग को पूज्य महाराज जी ने विस्तार से गाया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप सब की ओर से वंदन चाहिए। और प्रत्येक प्रसंग को लीजिए, जब हनुमान जी प्रभु से मिले या अंगद को प्रभु को सौंपा, सब में भाव पूज्य महाराज जी का एक ही रहता है कि किस तरह से जीव के ऊपर यदि परमात्मा की कृपा रहेगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। और राधे श्याम जी रामायण की जो पंक्तियां पूज्य महाराज जी गाते हैं उस समय तो माहौल ही बदल जाता है। और मैं आप सबके बीच में बड़े भाव से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी वाणी में रामायण का सार नजर सा आता है, आपकी वाणी में रामायण का सार नजर सा आता है और हनुमत कृपा से मानस प्रेम का राज नजर सा आता है। और मानस की चौपाइयां गाकर जो संकल्प आपने उठाया है, मानस की चौपाइयां गाने का जो संकल्प आपने उठाया है, इसीलिए तो प्रभु का चरित्र सबके मन को भाया है, इसीलिए तो प्रभु का चरित्र सबके मन को भाया है। जिस तरह से आप गाते हैं एकदम पूरा मन में समा जाती है पूरी रामचरितमानस की दिव्य कथा, हम बहुत आह्लादित हैं। एक बार व्यासपीठ के श्री चरणों में जोरदार तालियों से आप सब लोग वंदन कीजिए। और प्रभु का पावन चरित्र कोई भी प्रसंग को लीजिए, किसी भी प्रसंग में किसी से भी प्रभु श्री राम मिले हैं तो कितनी कृपा,
करुणा आपने बरसाई है, तब निवेदन करना चाहूंगा आप सभी के बीच में। और जब सुग्रीव जी ने कहा कि ये माया सब मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं त्याग के फिर मैं भजन करूंगा, उस प्रसंग को भी पूज्य महाराज ने कितना बेहतरीन तरीके से आप सबको समझाया है। इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा आप सभी के समक्ष कि चाहे कितना धन कमा लो लेकिन मान नहीं बदलेगा, चाहे कितना धन कमा लो माल नहीं बदलेगा, और मौसम के तेवर बदलेंगे दिन मान नहीं बदलेगा, और समय बदलेगा स्थान बदलेगा लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, और चाहे जितने काम बदलो लेकिन प्रभु श्री राम नहीं बदलेंगे। आपका काम का भाव कुछ भी हो सकता है लेकिन प्रभु हमेशा हम जीवों पर सदैव कृपा ही बरसाते हैं, और ये बात पूज्य महाराज ने प्रत्येक प्रसंग के माध्यम से हम सब के बीच में रखी है। एक बार जोरदार तालियों से आप सब लोग वंदन हो जाएं। और कोरोना के बारे में पूज्य महाराज ने आज बहुत संक्षिप्त में लेकिन बड़ी बात आपके बीच में कही कि हमें किस तरह से इस समय की नजाकत को भांपते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से कि अपने भी दूर हो जाते हैं जरा जुकाम से। जिंदगी गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से कि अपने भी दूर हो जाते हैं जरा जुकाम से, और तमाम कायनात में कातिल बीमारी हवा हो गई, तमाम कायनात में एक कातिल बीमारी हवा हो गई, और वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरिया ही दवा हो गई, वक्त ने ऐसा सितम ढाया कि दूरिया ही दवा हो गई। और आज सलामत रहेंगे तो कल पूरा शहर देखेंगे, आज सलामत रहे तो कल पूरा शहर देखेंगे, और आज पहरे में रहे तो कल पूरा पहर देखेंगे, आज पहरे में रहे तो कल पूरा पहर देखेंगे। और सांसों के चलने के लिए कदमों का रुकना जरूरी है, सांसों को चलाने के लिए कदमों का रुकना जरूरी है, और घर में रहकर बिगड़े हालात हम सब की मजबूरी है, और अब भी ना संभले तो बहुत पछताओगे। महाराज जी ने इस बात को इंकित किया है, अब भी नहीं संभले तो बहुत पछताओगे, और सूखे पत्तों की तरह हालात की आंधी में बिखर जाओगे। ये जंग न तेरी न मेरी हम सब की है, ये जंग तेरी न मेरी हम सब की है, और अपने के लिए अपनों को ही जीना है, नुकसान का जहर घुट घुट के पीना है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना है, और नुकसान का जहर घुट घुट के पीना है। आज महफूज रहे तो कल मिलेंगे खिल खिल के, आज महफूज रहे तो कल मिलेंगे खिलखिला के, गले भी मिलेंगे हाथ भी मिलाएंगे। इसीलिए जो पूज्य महाराज जी ने कहा या सरकार के दिशा निर्देश हैं उसकी पालना आप सब लोग घर में बैठ के करते रहेंगे। इसीलिए महाराज जी ने इन दोनों कथाओं को लाइव टेलीकास्ट करने का भाव रखा है। यजमानों का पूरा भाव रहा न रहा होगा लेकिन पूज्य महाराज जी का यह भाव था कि इस संकट काल में लोग कथा स्थल तक नहीं आ सकते, ऐसा संभव ही नहीं है, तो लोगों को इस मुश्किल वक्त में घर बैठे कथा का भाव कैसे मिले, इसके लिए इन दोनों कथाओं को संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से पूज्य महाराज जी ने घर घर पहुंचाने का काम किया है। और गौ सेवा करके, क्योंकि अभी लोग वर्तमान में गौशालाओं में नहीं आ सकते, गौदान नहीं कर सकते, गौ सेवा नहीं कर सकते, तो डिजिटल तरीके से आप लोग केशवपुरिया गौशाला में जिस तरह से गायों की सेवा होती है, आप गोदान करके उन गायों गायों की सेवा भी निरंतर बनी रहे, ये भाव भी आप सब रख सकते हो। और ये कथाएं निरंतर संस्कार टीवी के माध्यम से घर घर पहुंचती रहे, इसके लिए आप यजमान के रूप में अपने भाव लेना चाहें तो भी मैं आप सबसे सादर निवेदन करना चाहूंगा कि 5 मई से लेकर 13 मई तक फिर से इसी समय इसी स्थान पर दिव्य राम कथा का निरंतर वाचन चलता रहेगा। आप सबका सहयोग सहभागी अवश्य चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आज की आरती के लिए आज के हमारे दैनिक यजमान श्रीमान देवेंद्र जी कोचर बड़ौदा मेव अलवर राजस्थान से, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती दीपा जी कोचर, साथ में उनकी माता जी कमलेश रानी जी, साथ ही उनके सुपुत्र पिंकेश जी कोचर और जतन जी कोचर, आप सभी परिवारजन जल्दी से व्यासपीठ के समक्ष आज की दिव्य आरती के लिए पधार जाएं। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि फिर से आप सबको मैं गौदान की अपील करते हुए, इस कथा की निरंतरता के लिए आप सबके भाव की अपील करते हुए, आइए आप सबको लिए चलता हूं आज छठे दिवस की पावन और मंगल आरती की ओर। मैं शंभुदयाल जी सोनी जी से और भवनलाल जी पुजारी जी से कहूंगा वो भी आरती के लिए आए।
कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि आरति श्रीरा जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। गौ माता की जय। हरिओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बार बार वर मांगम वर्ष देऊ श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग कामि नारि प्यार जिम लोभे प्रिय जिम धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागै मोहि रम। ओम जगनीमि जगन्मय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रतिमान्यासं देहनाकं महिमाना सचंद्रयत पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। सेवन्ति काम कुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिगर्वेलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरे मे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथात् कालोभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं परमेश्वर। सुमद सुगन्धित सुमन ले सुमन सुदृष्टि विचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलि सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुंजपुरम आश्रम जोधपुर से महज 48 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर स्थित है, जो बावड़ी तहसील के केलावा गांव में स्थित है। इस परिसर के दो मुख्य द्वार हैं, एक मारुति द्वार और दूसरा कामधेनु द्वार। मारुति द्वार से हम आश्रम में प्रवेश करते हैं, जहां एक कार्यालय है। वहां से हमें सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। आश्रम में एक दिव्य योगशाला और अतिथि विश्राम गृह भी है। साथ ही यहां पधारे भक्तगण और गौ प्रेमियों हेतु उत्तम भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा भोजनशाला में होती है। इसके साथ साथ यज्ञशाला और साधना कुटीर भी अद्भुत हैं। अब हम बात करते हैं कामधेनु द्वार की। कामधेनु द्वार से हम केशव प्रिया गौशाला में प्रवेश करते हैं। इस दिव्य गौशाला का सौंदर्य और गौ सेवा हर आगंतुक को मोहित करती है। महाराज श्री स्वयं यहां की प्रत्येक गतिविधि का ध्यान रखते हैं। गौ माता के लिए जैविक चारा यहीं उगाया जाता है। गौ प्रकृति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता का अनूठा और अद्भुत संगम स्थल है रघुवंशपुरम। तो आइए आप और हम मिलकर इस यज्ञ का हिस्सा बने और इस दिव्य समाज के निर्माण में अपना भरपूर योगदान अर्पित करें। सहृदयं सामनस्यं अविद्वे